तो भाई लोग थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। और कोई देखे या ना देखे, लड़कियों को मैं खास कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी दरिंदा और कोई भी ऐसा चूमू वूमू आइटम आपकी तरह वहाँ उठा कर भी नहीं देखेगा। शुरुआत में हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसी हॉस्पिटल में एक लेडी आई हुई थी और उसकी सर्जरी के दौरान उस बेचारे की मौत हो जाती है। वहाँ पर उसी औरत का जवान बेटा भी मौजूद था जो कि अपनी माँ को बुरी तरह से गालियाँ दे रहा था। वही लोग मिरांडा भी वहीं पर मौजूद थी और वो ये सभी सुनकर बहुत ही बौखला चुकी थी भाई लोग, क्योंकि कोई ऐसा बेटा होता है जो कि अपनी माँ को गालियाँ देता है, लेकिन ये साला दे रहा था। मिरांडा उसे कुछ भी नहीं कहती और वो बिचारी वहाँ से ये आलतू फालतू चीजें सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। मिरांडा की शिफ्ट खत्म होती है और वो हॉस्पिटल से जाने लगती है। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो कि मिरांडा को कहते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर मिरांडा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो वहाँ से निकल लेती है। वहाँ से निकलकर मिरांडा एक लॉन्ड्री में जाती है जहाँ से वो अपने कपड़े लेती है और वहाँ से डायरेक्ट वो अपने घर पर चली जाती है। जैसे ही मिरांडा अपने घर पर पहुँचती है अपने पापा से मिलने के लिए, तभी वहाँ पर उसका कुत्ता था जो कि मिरांडा पर हमला कर देता है और वहाँ पर मिरांडा की जो पीछे की साइड थी वो थोड़ी सी फट जाती है। मिरांडा वहाँ पर अपने पापा से थोड़ी सी बातचीत करती है और उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकल लेते हैं। वहाँ पर मिरांडा देखते हैं कि फास्ट के टेबल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसके गले में खाना अटक चुका था और उसकी हालत यहाँ पर बुरी तरह से गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि भाई लोग वो सांस नहीं ले पा रहा था। हमारी मिरांडा एक नर्स थी इसलिए वो वहाँ पर उसकी सहायता करती है, उसकी थोड़ी सी हेल्प करती है और वो आदमी सही सलामत ठीक ठाक हो जाता है। भाई लोग उसी रेस्टोरेंट में भाई लोग एक आदमी भी मौजूद था जो कि हमारे मिरांडा के फटे हुए कपड़े देख लेता है और उसकी नीयत यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो जाती है। अगले दिन मिरांडा अपना एक नया घर देखने जाती है और वो घर भी भाई लोग उसे बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से पसंद आता है। रात के वक्त वो अपनी दोस्त नैन्सी से मिलती है और उसे कहते है कि मैं कल एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे ऑल द बेस्ट कह दो। शॉर्ट में कह दो भाई लोग तो मिरांडा यहाँ पर बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि कल वो जिस आदमी से मिलने वाली है वो आखिर में कैसा होगा। मिरांडा नैन्सी से कहते है कि मैंने विलियम नाम के आदमी को डेट पर इनवाइट किया है जो कि कल आने वाला है। अबे यहाँ से शुरू होती है वह लोग गंभीर बातचीत, क्योंकि अगले दिन मिरांडा अपनी डेट के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है और वो देखती है कि विलियम वहाँ पर आ चुका है। मिरांडा वह लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन वो देखते हैं कि विलियम थोड़ी सी अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। मिरांडा उसे कहते हैं कि तुम रिलैक्स करो और सोफे पर बैठो और 5 मिनट में मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, बाद में हम दोनों ढेर सारी बातचीत करेंगे। विलियम भाई लोग यहाँ पर मिरांडा से भी पूछता है कि क्या आज रात को भी तुम वहाँ पर शिफ्ट में जाने वाली हो, यानी कि हॉस्पिटल में। मिरांडा यहाँ पर उसकी हाँ का जवाब देती है कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, लेकिन भाई लोग मिरांडा को ये विलियम थोड़ा सा डेढ़ सानी आइटम लग रहा था, इसीलिए वो विलियम को कहती है कि तू बेटा अभी घर जाओ और कल आना, मैं थकी हुई हूँ, हम दोनों फिर बात करेंगे या भी तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाई लोग वो डेढ़ सानी विलियम यहाँ पर अपनी फांसी पंथी शुरू कर देता है। वो घर से बाहर जाने के बजाय डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। भाई लोग वो विलियम भाई लोग यहाँ पर मिरांडा को पकड़कर फोर्स करने लगता है। मिरांडा भी भाई लोग अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ पर उसे लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर भाई लोग ये विलियम नाम का बंदा मिरांडा को बुरी तरह से पीटता है और मार खाने की वजह से भाई लोग क्या बताओ कि मिरांडा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अभी यहाँ पर भाई लोग थोड़ी सी गंदी बातें शुरू हो जाती है। मिरांडा की बेहोशी की हालत में भाई लोग विलियम उसके साथ अल्टीमेट बोल लेता है और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जब विलियम मिरांडा के साथ ये सब कर रहा था, तभी मिरांडा भाई लोग बहुत ही बुरे सदमे में पहुंच चुकी थी और वो बुरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसे भाई लोग कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ कौन है और उसके साथ क्या क्या हरकतें कर रहा है। अपना काम खत्म करने के बाद और मौका देखकर भाई लोग विलियम वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो असली विलियम जिसे मिरांडा ने डेट पर बुलाया था वो वहां पर आ चुका था फूलों का गुलदस्ता लेके। यानी कि पहले जो आया था वो विलियम नहीं था, वो कोई और ही डेढ़ सानी आइटम था। अभी थोड़े से रहस्य को ओपन करें तो पहले वाला बंदा भाई लोग वही था जिसने मिरांडा को रेस्टोरेंट में देखा था और उसे ये सारी बात पता चल चुकी थी कि मिरांडा ब्लाइंड डेट करने वाली है, इसलिए वो विलियम बनकर यहाँ पर मिरांडा का फायदा उठाने के लिए आया था और यहाँ पर यह सक्सेसफुल भी हो चुका था। असली वाला विलियम वहाँ पर देखता है कि मिरांडा वहाँ पर बंधी हुई है
और उसकी हालत बुरी तरह से गंभीर है। ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस वालों को कॉल करता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर विलियम से पूछते हैं कि आखिर मिराना के साथ ये सब किसने किया, लेकिन विलियम कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं यहाँ पर आया तभी मिरांडा ऐसी हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले तुरंत मिरांडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहाँ पर मिरांडा की ट्रीटमेंट चलती है। ये हादसा होने के बाद भाई लोग मिरांडा इतने सदमे में आ चुकी थी कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी और वो अकेलापन बहुत ही बुरी तरह से महसूस कर रही थी भाई लोग। और मिरांडा को ये सदमा इतना ज्यादा लगा था कि जब उसके डैड उससे बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन मिरांडा ने उसके डैड के साथ भी बातचीत नहीं की थी। 5 दिनों के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो मिरांडा से उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिस आदमी ने मिरांडा के साथ ये साली काली करतूत की थी। मिरांडा यहाँ पर अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे याद आता है कि मैं अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पर ये आदमी मौजूद था। ये सारी बातें पता चलते ही भाई लोग पुलिस वाले तुरंत उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ से उस विलियम को गिरफ्तार कर लेते हैं। और थोड़े दिनों के बाद मिरांडा को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, इसीलिए वो भी अपने घर पर आराम कर रही थी। लेकिन भाई लोग अभी भी मिरांडा उस दुखद हादसे से उभर नहीं पाई थी। उसे हर वक्त यही सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहती थी। उसका डैड भी ये सब देख रहा था और वो भी अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी हो चुका था भाई लोग। मिरांडा जिस किसी के साथ भी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन सामने वाला कोई भी आदमी या कोई भी औरत मिरांडा से अच्छी तरह से बातचीत नहीं करता था। लोगों को देखकर साफ पता चल चुका था कि उनकी नजरों में मिरांडा ने कोई बड़ा गैरकानूनी अपराध कर दिया है। मिरांडा के दिमाग में ये सारी चीजें इतना जम चुकी थी भाई लोग कि वो हॉस्पिटल में भी सही से काम नहीं कर पा रही थी। अगर वो किसी को इंजेक्शन देने भी जाती तो उसके हाथ कांपने लगते थे। और बार बार भाई लोग मिरांडा के दिमाग में वही सारी पुरानी चीजें जो भी उसके साथ हादसा हुआ था वही चल रही थी। वो बेचारी उसे उभर ही नहीं पा रही थी। और अभी भाई लोग यहाँ से होती है गंभीर और बवाल बातचीत शुरू। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे का कोई भी पार्ट मिस मत करना भाई लोग। मिरांडा वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर पर जाती है और वो एक लेटर लिखती है और वो पहले वाले विलियम को पोस्ट करती है जो कि जेल में था। मिरांडा ने भाई लोग यहाँ पर ठान लिया था कि जिस किसी ने भी उसके साथ ये सारी छेड़खानी वाली हरकत की है उसके साथ वो बदला लेकर ही मानेगी और बुरी तरह से बदला लेगी। मिरांडा यहाँ पर रोज विलियम को लेटर सेंड करती, लेकिन विलियम साला किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर भाई लोग मिरांडा हार नहीं मानती, वो लेटर लिखती ही रहती है हर रोज, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे विलियम की ओर से रिप्ले आएगा ही आएगा। मिरांडा यहाँ पर अपने पापा के कुत्ते को पॉइजन दे देती है, क्योंकि यहाँ पर वो देखना चाहती थी कि पॉइजन कितने दिनों में कुत्ते को मार सकता है, और वो पॉइजन के जरिए ही विलियम को मारना चाहती थी भाई लोग। एक दिन भाई लोग विलियम का रिप्ले आता है और लेटर में लिखा हुआ था कि अगर मिरांडा उसे मिलना चाहती है तो वो उसे मिल सकती है। यह सब देखकर मिरांडा तुरंत अगले दिन जेल में पहुंच जाती है, जहां पर वो विलियम से ढेर सारी अच्छी बातें करती है और उसे साथ में यह भी कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आइंदा किसी भी औरत या किसी भी लेडी के साथ इन सारी गंदी हरकतों से दूर रहना और मत करना। यहाँ पर वह लोग मिरांडा का असली खेल शुरू होता है। वो हर रोज नए नए कपड़े पहनकर विलियम से मिलने जाती थी जेल में, और वो विलियम को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो सच्ची में विलियम से प्यार करती है। विलियम को भी मिरांडा की मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ये लग रहा था भाई लोग कि मिरांडा उसे प्यार करती है। थोड़े दिनों के बाद मिरांडा अपनी FIR वापिस ले लेती है और यहाँ पर विलियम को पुलिस वाले आजाद कर देते हैं और उसे जेल से रिहा कर देते हैं। मिरांडा जब घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा का जो कुत्ता था वो मर चुका था, और मिरांडा को यहाँ पर पता चल चुका था कि इसी पॉइजन की वजह से कुत्ता हो या आदमी हो 2 दिन के बाद मर ही जाएगा, और यहाँ पर यह फाइनल है। विलियम जैसे ही घर पर जाता है तो वो तुरंत मिरांडा को एक फूलों का गुलदस्ता भेजता है और मिरांडा को कॉल करके उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से तो पहले की रिहा हुआ था। मिरांडा भी यहाँ पर बहुत खुश थी, क्योंकि वो विलियम को पॉइजन देकर मारना चाहती थी। वो तुरंत विलियम को कहती है कि क्या तुम मुझे कल मिल सकते हो, यानी कि मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। विलियम यहाँ पर कहता है कि ओके डन, मैं कल आऊंगा। अगले दिन विलियम के आने से पहले ही मिरांडा ने किचन में जाकर एक ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था। वो जैसे ही मिरांडा से मिलने के लिए आता है तो मिरांडा उसे वो ड्रिंक देती है
और विलियम वो पी लेता है। जैसे ही विलियम वो ड्रिंक पी लेता है तो वह लोग यहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाते ही विलियम वहाँ पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जब विलियम को होश आता है तो वो देखता है कि वो बेड के ऊपर बंधा हुआ है, क्योंकि वह लोग मिरांडा ने उसे बांध दिया था और वो भी अपने बेसमेंट के नीचे जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मिरांडा अपने साथ जो भी कुछ गलत हुआ था उसका बदला लेना चाहती थी और वो भी पूरा शोर शराबे से भाई लोग। इसके बाद मिरांडा विलियम को एक दवाई देती है ताकि पॉइजन का असर जल्दी ना हो और वो धीरे धीरे काम करे पॉइजन, क्योंकि यहाँ पर मिरांडा विलियम को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी भाई लोग। यहाँ पर मिरांडा ने अपना टॉर्चर काम भी शुरू कर दिया था, उसने विलियम के जो ये सारे उंगलियों के नाखून होते हैं वो भी उखाड़ डाले थे। विलियम यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से रो रहा था और बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था। वो मिरांडा से कहता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, लेकिन मिरांडा यहाँ पर कहती है कि जो तूने मेरे साथ किया था ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आखिर में मिरांडा विलियम के जो निचले पार्ट के वो हिस्सा होता है उसे काट डालती है, पर यहाँ पर विलियम की बुरी तरह से मौत हो जाती है भाई लोग, और यहाँ पर मिरांडा का बदला भी पूरा हो जाता है। तो कैसी लगी ये आज की वीडियो, और भाई लोग ये कमेंट में जरूर बताना कि मिरांडा ने जो किया वो सही किया या गलत किया, यह बताना पक्का अपने भाई को। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।